सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूट्यूब ब्रांडिंग वाटरमार्क के बारे में। यूट्यूब ब्रांडिंग वाटरमार्क क्या होता है एंड इसका बेनिफिट क्या होता है, इवन कैसे आप अपने वीडियो में इसे अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ तुम्हें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। यूट्यूब ब्रांडिंग वाटरमार्क ऑनेस्टली हर एक क्रिएटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सो लेट्स टॉक अबाउट यूट्यूब ब्रांडिंग वाटरमार्क। सबसे पहले यूट्यूब ब्रांडिंग वाटरमार्क होता क्या है, एग्जाम्पल के लिए आप मेरे ही वीडियो के कॉर्नर पर देखोगे तो आपको एक ब्लैक कलर का लोगो दिखाई दे रहा होगा, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से वीडियो को देख रहे हो तो ही सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज यह फीचर्स हमारे मोबाइल में अप्लाई नहीं होता है। मोबाइल में अगर आप वर्टिकल में करके देखते हो तो आपको कोई भी लोगो शो नहीं होगा, बट अगर उसको हॉरिजॉन्टल में करके देखते हो एज ए लोगो दिखाई देगा, बट उस पर कोई भी एनिमेशन नहीं देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो। केवल ये फीचर्स हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में भी अप्लाई होता है, तो इसी को कहते हैं ब्रांडिंग वाटरमार्क। और ब्रांडिंग वाटरमार्क का फायदा क्या होता है, किसी भी बड़े यूट्यूबर के वीडियो पर विजिट करते हो तो वहां पर आप वीडियो के कॉर्नर पर देखोगे सब्सक्राइब लोगो आपको देखने को मिलता है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका डेली 10 सब्सक्राइबर इंक्रीज होता है, आपका डेली 10 सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो इस फीचर्स को अप्लाई करने के बाद डेफिनेटली आपका सब्सक्राइबर 10 से 15 हो जाएगा। इस फीचर्स को खुद भी अप्लाई किया हूं और आपको भी बता रहा हूं इसको कैसे अप्लाई करना है। सो आप मोबाइल से भी कर सकते हो एंड अपने पीसी या लैपटॉप से भी कर सकते हो, आपके पास जो भी है उससे भी आप कर सकते हो। सबसे पहले बताएंगे कि मोबाइल में कैसे आप ब्रांडिंग वाटरमार्क लगा सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद आपको यहाँ सर्च बार में सिंपली youtube.com सर्च कर देना है। youtube.com सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली से यहाँ कॉर्नर पर आपको यहाँ तीर वाले आइकन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस तीर वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके ये जो मोबाइल का स्क्रीन है वो टोटल कंप्यूटर के स्क्रीन की तरह हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली से यहाँ कॉर्नर पर आपको चैनल का लोगो दिखाई दे रहा होगा, उस लोगो पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा करके दिखा दें, आपको नीचे से यहाँ कस्टमाइजेशन वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है, सिंपली से इसी वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कस्टमाइजेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से तीन ऑप्शन खुल के आएगा, एक लेआउट, एक ब्रांडिंग, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आपको सिंपली से बीच वाले आइकन पर ब्रांडिंग पर क्लिक कर देना है। ब्रांडिंग पर क्लिक करने के बाद अपलोड से कर सकते हो। वहीं अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो आपको सिंपली से अपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ कॉर्नर पर अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो यहाँ पे आपको एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होगा, कस्टमाइजेशन पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले लेआउट होगा, बीच में ब्रांडिंग, सबसे लास्ट में होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आपको मिडिल वाले पर क्लिक कर देना है, ब्रांडिंग पर। ब्रांडिंग पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना, ऑलरेडी यहाँ पे चैनल का लोगो ब्रांडिंग में लगाया है तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन भी लगा सकते हो एंड अपना फोटो भी लगा सकते हो और अपना यहाँ पे चैनल का लोगो भी लगा सकते हो। तो मैंने लोगो लगाया, आप सब्सक्राइब बटन भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। आप सबसे पहले इसको हम रिमूव करके दिखा रहे हैं, उसके बाद कैसे सेट करना है वो करके दिखाएंगे। पहले यहाँ से रिमूव कर देंगे, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, उसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां से उस लोगो को सेलेक्ट कर लेना है जिस लोगो को आप उस पर सेट करना चाहते हो ब्रांडिंग वाटरमार्क पर, तो उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहां पे डन पर क्लिक कर देंगे तो आपका यह कॉर्नर पर लग जाएगा। उसके बाद यहां पे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, पहला एंड ऑफ वीडियो, कि यह वाटरमार्क जब आपका वीडियो खत्म हो तो लास्ट में केवल कुछ मिनट्स के लिए आपका यह वाटरमार्क देखने को मिले। और सेकंड क्या है, कस्टम स्टार्ट टाइम, जैसे कि कस्टम करके आप सेट कर सकते हो कितने से कितने टाइम तक आपका ये लोगो दिखना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे लास्ट वाले पर इंटायर वीडियो पर क्लिक करें। यह इंटायर वीडियो मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के वीडियो में आपका यह लोगो शो होने वाला है एंड एनिमेशन के साथ। तो आपको इंटायर वीडियो पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सिंपली से पब्लिक पर क्लिक कर देना, कॉर्नर पर पब्लिक पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यह आपका जो है सेव हो जाएगा।
उसके बाद आपको हर एक वीडियो में आपके कॉर्नर पर यह वाटरमार्क देखने को मिलेगा, जिस पर कोई भी ऑडियंस क्लिक करके डायरेक्ट आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। अपने आवाज को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, अच्छे से एडिट करना चाहते हो, प्रोफेशनल एडिट करना चाहते हो, तो आपको इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सीख सकते हो कि कैसे आपको मोबाइल से अपने ऑडियो को एडिट किया जाता है प्रोफेशनल तरीके से।